जनरल मेफ्टन, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि क्या ये वाकई में एक पॉलिटिकल टर्मोइल है और बड़ी लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन की ये परिस्थिति बनी है, या फिर वाकई में इसके पीछे भी आर्मी चीफ या घरेलू स्थिति पाकिस्तान की कुछ इस कदर बन गई, इमरान खान ने इस तरीके से लोगों का कॉन्फिडेंस खो दिया, अपने सहयोगियों का कॉन्फिडेंस खो दिया कि कमर जावेद बाजवा ने भी यानी आर्मी ने भी अपने हाथ इमरान खान के सिर से हटा लिए। मीनाक्षी, जिस प्रकार है आपने अभी बोला है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ये पॉलिटिकल टर्मोइल है और इसमें सबका रोल है, इमरान खान का तो है ही और खासकर अपोजिशन पार्टी का भी है। अब ये देखना कि भविष्य में क्या होने वाला है। देखिए, 3-4 दिन में वोटिंग हो जाएगी नेशनल असेंबली में, इमरान खान 99.9% हारी जाएंगे, अनटेनलेस वो कोई जादू की छड़ी कर दें, जिस प्रकार वो अभी भी बोल रहे हैं कि 80% मेरे को चांसेस हैं। बट सवाल ये उठता है कि अब क्या होगा इसके बाद। अभी जो विपत्ति पाकिस्तान के सामने उभरती जा रही है वो इस प्रकार है, मान लिए इमरान खान जाते हैं तो अपोजिशन का क्या रोल होगा। अभी तो अपोजिशन यूनाइटेड है, बिल्कुल यूनाइटेड है, बट जब ये बारी आएगी कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसको कितनी सीट मिलेगी, मेरे को तब लगता है वहां टोटल डिवीजन होगा और पॉलिटिकल टर्मोइल और बढ़ेगा। इसमें फिर आ जाता है कि आर्मी का क्या रोल होगा। आज जैसे आर्मी चीफ की और DGISI की मीटिंग हुई है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ, और उसमें मेरे को लगता है एक बहुत बड़ा फैसला ये हुआ है कि जैसे आपने भी बताया कि आज प्राइम मिनिस्टर को देश को संबोधित करना था, मीडिया को संबोधित करना था, लेकिन वो कैंसिल हो गया है। इसका कुछ कारण है, कारण यही हो सकता है कि प्रेशर बना है DGISI आर्मी चीफ से, और उनका रोल हमेशा रहेगा, आर्मी का रोल तो वहां पर सुप्रीम है, उसमें भी कोई शक नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हुआ होगा कि उनको मौका दिया क्या होगा कि, और वो जो एक वो बार बार बोल रहे हैं कि एक सीक्रेट है उनके पास, लेटर है, वो एक्सपोज करेंगे, पता नहीं वो क्यों नहीं अभी तक एक्सपोज कर रहे हैं। तो इमरान खान के पास जो आज आर्मी चीफ भी गए होंगे, उन्होंने बोला होगा ये आप बताइए, तो जब उन्होंने ये दिखाया होगा या बताया होगा, पता नहीं क्या उसमें निकलेगा, हो सकता है इनको ये मौका मिला है कि आप नेशनल असेंबली में जाके ये लड़िए और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वगैरह जो भी है। लेकिन मान लिए कल वो जैसे भी हो जाता है, मान लो उनको मिल भी जाता है या नहीं भी मिलता है, इसके अलावा कोई चारा है ही नहीं, पॉलिटिकल टर्मोइल पाकिस्तान में बहुत बढ़ेगा और आर्मी का रोल मेरे को लगता है बहुत ज्यादा अहमियत वाला रोल हो जाएगा। और आर्मी के अंदर भी मेरे को लगता है आज की तारीख में इंटरनल डिविजन्स हाईएस्ट लेवल पे हैं, वो तो खास इंटरनल डिविजन्स आर्मी के लेवल पर भी हैं। एक एक संदेह आप ये भी जता रहे हैं। हमारे साथ नवाज की पार्टी के मेंबर जुड़ गए हैं, आप इस्लामाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, अफनान उल्लाह खान साहब आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है अफनान जी आपका इंडिया टीवी पर। अफनान जी देखिए, अभी भी नवाज शरीफ की पार्टी ये भले ही दावा करें, आप लोग भले ही दावा करें, बिलावल भुट्टो ये दावा करें कि विपक्ष की एका, विपक्ष की संख्या इमरान खान के ऊपर नजर आ रही है, लेकिन इमरान खान अभी भी अपने लिए आशा की किरण ढूंढ रहे हैं, 80% चांस उनके सरकार के बचने के हैं, ये उनका कहना है। देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब का ये राइट है कि वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए जो तकोदो वो करना चाह रहे हैं वो करें, उसमें कोई जो है वो बुराई नहीं है। अगर वो ये समझते हैं कि जो अलाइड पार्टीज थी जो उनको छोड़ के चली गई हैं कि वो उनको मना सकते हैं, तो उनके पास वक्त है, 1-2 दिन है, अगर वो उनको मना सकते हैं तो मना लें। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये होता हुआ नज़र आ नहीं रहा, क्योंकि मसला खाली अलाइड पार्टीज का नहीं है, मसला ये भी है कि तकरीबन कोई 2 दर्जन के करीब इनके अपने जो मेंबर पार्लियामेंट है वो भी इनसे जो है वो डिफेक्ट कर गए हैं। तो वो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहा ये तमाम काम होता हुआ। बीच में हमारे ये हैं दोस्त, इन्होंने बात की कि मंडी लगी हुई है पाकिस्तान में और ज़मीन फरोशी हो रही है, ये बात दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये अगर मंडी लगनी होती तो ये पहले साल लग जाती, 6 महीने बाद लग जाती। ये अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि इमरान खान साहब इतने अनपॉपुलर हो गए हैं कि उनकी जो अनपॉपुलैरिटी है वो कोई अलाइड पार्टीज भी नहीं उठा सकती और उनके अपने अरकान भी नहीं उठा सकते। तो ये तमाम चीजें सामने रखते हुए जो है वो आप देख रहे हैं कि लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं और वो अपोजिशन पार्टीज के साथ मिल रहे हैं। और जहां तक बात रहेगी पोलिटिकल टर्मोइल की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो है वो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन है जो वजीर आजम फेस कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगले 5 से 10 दिन के अंदर नया वजीर आजम जो है वो इलेक्ट हो जाएगा और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ मामलात दोबारा चले जाएंगे
और लेकिन इसके ये अंदर कोई स्टेबिलिटी भी मसला कितने नहीं। दिन रहेगी, इससे लेकर भी अपने अपने संशय हैं। जो बात अमजद अयूब मिर्जा कह रहे थे कि अगर विपक्षी दलों की सरकार बन भी गई तो ये विपक्षी दलों की एका भी कितने दिन रह पाएगी, इससे लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, हम इस पर भी आएंगे। लेकिन अभी अभी इमरान खान की एक नई तस्वीर सामने आई है, वो हम आपके सामने रख दें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ऑफिस ने स्पेशल कैबिनेट मीटिंग की ये तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इमरान खान के साथ बैठे हुए सभी लोगों के चेहरों पर उदासी नजर आ रही है। लेकिन इसके बावजूद अगर ये कहा जा रहा है कि 80% चांसेस हैं सरकार बने रहने के, तो उसके पीछे ये ताकत कहां से आ रही है, ये संभावना उन्हें कहां दिखाई दे रही है, ये एक अहम सवाल है। और एक चिट्ठी की भी बात बार बार सामने आई, वो भी हम आपको बता दें। ये मीटिंग की तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, मीटिंग में भी चिट्ठी का जिक्र होना, जलसे में चिट्ठी का लहराना, उसका जिक्र होना, ये चिट्ठी में क्या है और इस चिट्ठी की कहानी क्या है, इसे भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अयूब जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अयूब जी देखिए, एक बात तो जो अफनान जी ने कही कि अगर वाकई में ये पैसों का खेल होता, अगर वाकई में ये मंडी सजी हुई होती तो 6 महीने बाद, साल भर बाद हो जाता। इतना मौका मिला इमरान खान को, वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए, एक तरीके से वो अनपॉपुलर तो कह ही रहे। कुछ मेहमान हमारे साथ पाकिस्तान से भी जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि इनकम्पिटेंट साबित हुए हैं इमरान खान अपनी पोस्ट पर, इसलिए एक लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन की दिशा में पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। देखिए, कभी ऐसा हुआ है कि बकरा ईद से पहले बकरों की मंडी लगे? बकरा ईद आती है तो मंडी लगती है, क्राइसिस आया है जब, तो क्राइसिस आया है तो उसमें यह मंडी लगी है ना। अब ये जो परवेज अलाई को इन्होंने ऑफर की थी अपोजिशन वालों ने कि ठीक है हम आपको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, तो ये क्या खरीदो फरोख्त नहीं है? वो ये तो नहीं उन्होंने कहा कि वो कम वोट में हम इमरान खान के खिलाफ है? उन्होंने तो देखा कि मुझे बेनिफिट कहां से है। उन्होंने जब देखा कि इमरान खान से मुझे फौरी बेनिफिट आ रहा है, ये तो मुझे फौरन ही बना देगा चीफ मिनिस्टर, इनका कोई भरोसा नहीं है, तो इमरान खान के साथ चला गया। इसी तरह MQM वाले जो है वो अगर आज अपोजिशन के साथ गए हैं तो उन्होंने उसमें शिपिंग की मिनिस्ट्री का वादा लिया है, उन्होंने जो उनके ऑफिसेज बंद हैं पड़े हुए कराची में और सिंध में उनको खुलवाने का वादा लिया है, और बेशुमार और लिस्ट है पूरी जो उन्होंने अभी डिस्क्लोज नहीं की, वो आज उन्होंने कहा था करेंगे लेकिन अभी तक तो नहीं की। तो ये मंडी होती है ना, ये खरीदो फरोख्त यही होती है, और क्या होती है खरीदो फरोख्त? बाकी तो वो तो इन कोई खुफिया कैमरे लगे हो जिसपे पैसे का लेन देन दिखाएं, उसके बगैर तो वो साबित नहीं हो सकता, लेकिन ये तो खुले सबूत है कि लेन देन चल रहा है। बाप पार्टी भी आ गई है अपोजिशन के साथ, तो बाप पार्टी ये इसी बात पे आई होगी कि हमारा जो नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर होगा बलूचिस्तान में, उसकी आप गारंटी दें। तो ये लेन देन चल रहे हैं, और मैं आपको ये भी बताऊं कि इमरान खान का मुझे चांस बहुत कम लगता है, क्योंकि आज जब ई पासपोर्ट की लॉन्चिंग सेरेमनी थी उसमें इमरान खान ने इनडायरेक्टली आर्मी को गद्दार कहा है। उसने कहा है कि जो न्यूट्रल है, ऐसी सिचुएशन में जो न्यूट्रल होता है, जो दरमियान फैसला नहीं करता, वो भी गद्दार है कौम का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।